गाइस, मायसेल्फ नेहा, आई एम मास्टर अबेकस ट्रेनर फ्रॉम अमेजिंग अबेकस एकेडमी। आई एम रनिंग माय इंस्टीट्यूट सिंस 10 इयर्स एंड आई मेक अ लॉट ऑफ अबेकस चैम्पियन स्टूडेंट्स एंड सर्टिफाइड टीचर्स हु आर रनिंग देयर ओन बिजनेस एंड रनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट एंड मेक अर्न मनी मोर। नाउ इन टूडे क्लास आई एम इंट्रोड्यूसिंग अबेकस। वॉट इज अबेकस, हाउ इट वर्क एंड हाउ इट एनहेंस आर मेमोरी बूस्टर। तो आज हम जानेंगे कि अबेकस होता क्या है, हम अबेकस का यूज़ कैलकुलेशंस के लिए क्यों करना चाहते हैं एंड इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि अबेकस होता क्या है। सबसे पहले तो अबेकस एक टूल होता है, दिस काइंड ऑफ टूल विच हैज़ अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स एंड देर इज अ डॉट इन द मिडल ऑफ द टूल। सो दिस इज कॉल्ड, दिस प्लेस इज कॉल्ड आर यूनिट प्लेस विच इज नोन एज वंस प्लेस इन मैथमेटिक्स। बच्चों, जो अबेकस है, जब हम इसके थ्रू मेंटल एप्लीकेशंस करते हैं या मेंटल मैथ्स करते हैं, इसी के थ्रू हमारा जो माइंड है वो डेवलप्ड होता है, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है और हमें एक सोचने और समझने की शक्ति एनहेंस होती है। बस इन्हीं वजहों से हम अपने ब्रेन के सेल्स को अप करते हैं और 360 डिग्री ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। जब हम 360 डिग्री अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं तो उस फेज में हम अपनी जो मेमोराइजेशन पावर होती है उसे एनहेंस कर जाते हैं और जितना भी हम लर्निंग पावर लर्न करते हैं, आपके पास बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल, सभी बच्चों को लर्निंग के अंदर कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं जब उन्हें 4 लाइन का एक पैराग्राफ लर्न करना होता है या फिर एक पेज का उनको एक आंसर लर्न करना होता है। तो आप लोग उसमें क्या करते हैं, अपनी मेमोराइजेशन पावर को लूज़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन डेवलप नहीं होता या आपके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। जब हम अबेकस की टेक्निक से इन सेल्स को ओपन करते हैं, माइंड को प्रेशर देते हैं और तब हमारा जो सेल्स हैं वो ओपन होते हैं, अलाइव होते हैं और वही हमें एक सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो दिस टूल इज आर मेमोरी बूस्टर टूल, जिसे हम एक माइंड कैलकुलेटर भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगी कि ये तो हमने जाने कि व्हाट इज अबेकस क्या होता है और इस अबेकस के यूज़ करने से हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसे एनहेंस होती है थ्रू बाय द मेथड ऑफ बीट्स। अबेकस एक टूल है जिसके 4 साइड्स पर एक ब्लैक कलर का फ्रेम है, बीच में देर आर अ लॉट ऑफ रॉड्स इन विच देर इज अ अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स एंड देयर इज अ पार्टीशन इन मिडल ऑफ द टूल। सो दिस टूल इज दिस मिडल रॉड ऑफ अ टूल इज नोन एज वंस प्लेस और अ यूनिट प्लेस। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक रूल्स बताऊंगी कि हाउ वी कैन डू कैलकुलेशंस ऑन दिस टूल विद द हेल्प ऑफ बीट्स। सो फ्रेंड्स, दिस यूनिट प्लेस is known as number from 1 to 9. What numbers we have in ones place? That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Our tool will be visible to 0 right now because the upper beats are upper and the lower beats are lower. हमारी जितनी भी upper की beats हैं वो upper होनी चाहिए और tool के नीचे की beats, lower beats जो हैं वो नीचे होनी चाहिए। अगर हम थम से अप करेंगे दैट मीन्स प्लस, फिंगर से डाउन करेंगे दैट मीन्स माइनस। अगर हम अपने थम से अप करते हैं बीट्स को तो ये हमारा बन गया 1। क्या बन गया ये हमारा 1। अगर मुझे इसमें 1 प्लस करना हो देन आई डू अनदर बीट अप दैट इज कॉल्ड प्लस 1। देन इफ आई एड 2 देन इट विल बिकम 2। देन Now the number on my abacus tool is 4, that is 1, 2, 3, 4. If the beats are up, that means they are in addition place. If I do the beats down, that means I make it minus. So, बच्चों, अगर मेरे पास टूल पे 4 बना हुआ है, अगर मैं उसमें से 1 को माइनस करती हूँ तो what is rest with me? That is 1, 2, 3. If I minus 1 more,
देन ऑन माई टूल दैट इज टू. नाउ बच्चों ये तो हुए हमारी डाउन बीट्स विच इज 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 माइनस एंड द अपर बीट्स. नाउ वी मूव टू द अपर बीट्स. अपर में जो हमारी एक सिंगल बीट होती है वो हमारी 5 की बीट होती है. कौन सी बीट होती है? नंबर 5. ये एक बीट कितने नंबर की है? 5. और डाउन की जितनी भी बीट थी सब 1-1 नंबर की थी, बट दिस नंबर बीट इज कॉल्ड नंबर बीट इज 5 ऑन यूनिट प्लेस. इफ आई मेक 5, इफ आई मेक डाउन द बीट, देन दैट मीन्स आई एड 5. एंड इफ आई मेक अप द बीट दैट मीन्स इट इज माइनस 5. नाउ बच्चों मैं आपको एक सम बता रही हूँ जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे अप टू 9 डिजिट लाइक 5. नाउ 6 7 8 9. गॉट इट बच्चों? अब इसके इस अबेकस टूल की जो मिडल रोड है उसके पास हमारे पास कितने नंबर हैं? 5 6 7 8 9. अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर देती हूँ 1 2 3 4, सो व्हाट इज रेस्ट विद मी? दैट इज 5. नाउ द आंसर इज ऑन माय बेकर्स टूल इज 5. तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 + 2 - 3. नाउ द आंसर इज दैट इज 1. इफ आई डू 2 + 1 + 5. नाउ द आंसर इज ऑन माय बेकर्स टूल इज 5 6 7 8. तो बच्चों इस तरह से हम अबेकस टूल की जो हमारी मिडल रोड होती है दैट इज अ वंस प्लेस, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसी तकनीक को अगर हम विजन मेथड के ऊपर आते हैं, इसी टूल को जब हम अच्छे से समझ लेते हैं फिजिकली मैनुअली ऑन दिस टूल बाय वर्किंग द क्वेश्चंस ऑन द टूल, आफ्टर सम टाइम हम इस टूल को रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद इसी टूल का विजन हम अपनी आईज के सामने क्रिएट करेंगे. जब हम इस विजन को क्रिएट करते हैं वहीं से हमारा मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. इसी को कहते हैं विजन क्रिएशन मेथड, और यहीं से हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेमोराइजेशन पावर एनहेंस हो जाती है. तो बच्चों ये हमारे आज के बेनिफिट्स हैं. और हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने आपको बताया कि हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. इसी के साथ में जो ये वंस की बीट्स होती है, वंस की लाइन होती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड टेंस लाइन. देन एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टेंस लाइन इज नोन एट हंड्रेड्स लाइन एंड थाउजेंड लाइन एंड सो ऑन. इसी तरह से हम इस अबेकस टूल पर जो नंबर्स कर सकते हैं वो हम अनलिमिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो एक्यूरेसी होती है अबेकस टूल के विजन मेथड पे ऑलवेज वुड बी राइट. सो ये हमारी एक्यूरेसी को भी एनहांस करता है. तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी इस टूल का यूज करते हैं विद और विदाउट, व्हेन वी क्रिएट द विजन देन इट विल डेवलप आवर मेंटल एबिलिटी पावर, और इसी से हम स्मार्ट एंड एक्टिव हो जाते हैं और अपनी सभी फील्ड्स में हम अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं. ये टेक्निक है जो हमारे माइंड को बूस्ट करती है, मेमोरी को एनहांस करती है, हमारे सेल्स को ओपन करती है और हमें स्मार्ट एंड एक्टिव बनाती है. दैट्स ऑल फॉर द क्लास. अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपनी टेंस की. Thank you and bye-bye.